गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, पर मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं आज शॉपिंग करने जाने वाली हूँ। और प्लीज़ एक्सक्यूज मी, ये मेरा पहला व्लॉग है, सो अगर कुछ गलती होती है तो प्लीज़। तो अभी सुबह हो गया, हम उठे हैं, फ्रेश हुआ है एंड ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद चलता है। तो मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। ये बन गया हमारा ब्रेकफास्ट, आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तैयार होके चलते हैं शॉपिंग के लिए। और ये हो गया है लॉकर, अब हम जाएंगे। से हाय। हमें चलाने नहीं आती है। आई डोंट नो, हम जाएंगे स्कूटी से। आ गए हैं हम शॉपिंग करने, बहुत तेज़ धूप है, मतलब बहुत ही तेज़। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद मुंबई में धूप देख? छोटी बच्ची हो क्या? धूप देख के कैसा लग रहा है? ओह नाइस, इट्स गॉट कितना प्रिटी सूट्स हैं। आओ लेट्स गो एंड सी। हाउ इज इट? मैं आ गई हूँ राखी मार्केट, राखियाँ लेना। आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे तो थोड़ी सिंपल पसंद है। अब हम जाने वाले हैं मॉल। मॉल जाए बिना तो लगता है शॉपिंग ही कंप्लीट नहीं होती है, तो चलते हैं मॉल की तरफ और आपको मिलते हैं वहाँ जाके। वैसे ट्रैफिक बहुत है आज, धूप भी बहुत है। हम आ चुके हैं मॉल, थोड़ी शॉपिंग की है हमने। थोड़े कपड़े लेने हैं, नेफ्यूज और नीसेस के लिए गिफ्ट लिए हैं, भाभी लोगों के लिए लिया है। अच्छी, उनको कैसा लगता है? आपसे मिलते हैं अंदर जाके। So there are some idiots, some pullus, some bepoos who are making this vlog, wasting time and making me embarrassed. You're getting embarrassed? हाँ, obviously. Why? सच तो क्या काम you are doing? छोटी बच्ची हो क्या? How many times are you going to say that? How many times are you going to make this vlog? You're not making, I'm making. But shut. हम यहाँ आए हैं लंच करने के लिए, बहुत फिट हो गया था तो सोचा मॉल में ही लंच कर लेते हैं। हम लंच करके वापस घर आ गए और बहुत टायरिंग था आज, मतलब हम लोग सुबह से निकले हैं ऑलमोस्ट 11:30 और अभी लगभग बज रहे हैं 5। आप सोचिए कितना टाइम लगा है शॉपिंग में। थोड़ा तो लगता है ये आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं फिर उसमें से पसंद करते हैं। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है रक्षाबंधन की, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और हमें तो अभी जाना है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, शायद 10 दिन घर जाएंगे मम्मी के यहाँ और
और मेरे हस्बैंड भी जाने वाले हैं साथ में, उनका फर्स्ट टाइम है ससुराल जाने का, तो मैं वो भी ब्लॉग करूँगी, आप प्लीज़ देखिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगा हो, पहली बार था, थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होंगी, सीख रही हो अभी, तो वो भी बताइएगा कि और कैसे बेटर कर सकती हूँ मैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और बताइएगा कैसा लगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए बंद करते हैं अभी ये ब्लॉग, फिर से बनाऊंगी कुछ तो डालूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।